जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है और यहाँ हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। हर जाति में कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं जो बरसों से चली आ रही होती हैं। रीति रिवाज के बारे में बात करें तो भारत में आज भी कुछ जगह पर लोग अंधविश्वास जैसी बातों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अजीब रीति रिवाजों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको अपने ही देश की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम भारत के उन्हीं कुछ चौंका देने वाले रीति रिवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बरसों से लेकर आज तक चली आ रही हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी शादी की जहां लड़की की शादी लड़की के ही साथ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, ढेर सारी रस्में निभाई जाती हैं और ऐसे शादी संपन्न होती है। लेकिन गुजरात के आदिवासी बाहुल्य गांव की शादियों में दूल्हा नहीं होता। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बिना किसी विरोध के बड़े ही धूमधाम से दुल्हन की शादी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से की जाती है। दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा नहीं जाता, वो तो बस अपने घर में रहकर दुल्हन का इंतज़ार करता है। अगर लड़का घोड़ी चढ़कर मंडप में जाता है तो अशुभ माना जाता है, दाम्पत्य जीवन असफल रहता है और वंश भी नहीं बढ़ता, ऐसी मान्यता है। दूल्हे की जगह दूल्हे की कंवारी बहन घोड़ी चढ़ती है और बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दुल्हन को दूल्हे के सुपुर्द करके बहन का काम यहाँ खत्म हो जाता है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ वरमाला से लेकर फेरे तक सारी रस्में दोबारा करनी पड़ती हैं। कहते हैं कि शादी के लिए दूल्हे की बहन का कंवारा होना ज़रूरी है। अगर दूल्हे की कोई बहन नहीं है तो चचेरी ममेरी बहन इस रस्में निभाती हैं। दोस्तों, जो इस लिस्ट में दूसरी रस्म है वो है बच्चों को छत से नीचे फेंकने की। भारत के महाराष्ट्र जिले में सोलापुर नाम का एक शहर है जहां पर बाबा उमर की दरगाह है जो कि लगभग 700 वर्ष पुरानी है। इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दर्शन करने जाते हैं। यहां पर हर साल कई माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ पर प्रार्थना के नाम पर एक ऐसा रीति रिवाज होता है से पूरे विश्व में इस जगह को कुख्यात कर दिया है। यहाँ पर मस्जिद के मौलवी और अनुभवी लोग एक साल तक के छोटे बच्चों को मस्जिद की छत से लगभग 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। मस्जिद के नीचे दूसरे गांव वाले और अन्य अनुभवी लोग चादर को फैलाकर उसमें बच्चों को पकड़ते हैं। इस रिवाज को न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू भी अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए अपनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की उम्र लंबी होती है और उसे भगवान के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर है मेंढकों की शादी का। भारत के नागपुर और जमशेदपुर इलाके में एक अजीब प्रथा अपनाई जाती है जहाँ पर स्थानीय लोग मेंढकों की शादी करवाते हैं। भारत के इन इलाकों में अक्सर काफ़ी गर्मी रहती है और वर्षा भी कई बार बहुत तेज़ी से आती है, इसलिए स्थानीय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रथा को पूरा करने के लिए दो मेंढकों को अलग अलग तालाब से पकड़ कर लाते हैं। अब इन मेंढकों को एक मंदिर में ले जाकर वहां पर पूरे रीति रिवाज के साथ इन मेंढकों की शादी करवाई जाती है। इस प्रथा के पूरा होने के बाद इन्हें साथ साथ एक ही तालाब में छोड़ दिया जाता है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि मेंढक इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं जिनको प्रसन्न करने से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ये प्रथा आजमाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर आता है कुत्ते से शादी करवाने का। मेंढकों की शादी का तो समझ में आया कि दो जानवरों की शादी हो सकती है, लेकिन जब बात एक जानवर और इंसान की शादी की हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है, लेकिन ये सच है। भारत में झारखंड राज्य के कई इलाकों में इस प्रथा को अपनाया जाता है। इस प्रथा में जिन लड़कियों पर भूत प्रेत का साया होता है उनके समाधान के लिए माता पिता अपनी बेटी की एक कुत्ते से शादी करवाने की एक रस्म निभाते हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि कुत्ते से शादी करवाने से प्रेत बाधा उस बच्ची से निकलकर कुत्ते में चली जाती है। इस प्रथा को महिला की तरह पुरुष भी
भूत बला से छुटकारा पाने के लिए कुतिया से शादी करते हैं। इस प्रथा में हिंदू मान्यता के अनुसार शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं और खाने का प्रोग्राम भी किया जाता है जिसमें सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली प्रथा है सिर से नारियल तोड़ने की प्रथा। हर साल हजारों श्रद्धालु दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कुरूर जिले में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में युवाओं से लेकर बुजुर्ग सभी इस मंदिर में इकट्ठे होकर अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। इस मंदिर के बारे में एक ब्रिटिश राज की कहानी मशहूर है। इस कहानी के अनुसार अंग्रेज इस मंदिर को तोड़कर एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहते थे। गांव वालों ने अंग्रेजों का विरोध किया ताकि उस प्राचीन मंदिर को सुरक्षित कर सकें। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि इस मंदिर से निकले हुए पत्थरों को उनको अपने सिर से फोड़ना होगा और अगर वो सफल हो गए तो अंग्रेज रेलवे ट्रैक नहीं बनाएंगे। गांव वालों ने जान की परवाह किए बिना देवी का नाम लेकर अपने सिर से पत्थर तोड़ दिए और किसी को भी चोट नहीं आई। अंग्रेज भी इस अजूबे को देखकर चकित रह गए और उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाना रोक दिया। तब से अब तक पत्थर की जगह पर नारियल अपने सिर से फोड़कर इस प्रथा को पूरा किया जाता है। यह सारा काम चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। कुछ श्रद्धालुओं को पीड़ा भी होती है लेकिन फिर भी वो इसको सहन कर लेते हैं। बाद में नारियल के टुकड़ों को भगवान को चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, अगली प्रथा है गायों के नीचे लेटने की प्रथा। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा एक विशेष प्रथा का आयोजन किया जाता है। इस प्रथा में स्थानीय लोग अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए दौड़ती हुई गायों और बैलों के नीचे लेटते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रथा से उनको गौमाता का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस रिवाज में गायों के तले दबकर कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाते हैं, फिर भी वे इसे आशीर्वाद समझकर इस प्रथा को पूरा करते हैं। इस प्रथा को यहाँ कई सालों से निभाया जा रहा है और हजारों श्रद्धालु इस प्रथा को देखने के लिए इस मेले में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगले नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जिसमें डंडों से पिटाई की जाती है। आंध्र प्रदेश के देवरागट्टू मंदिर में बानी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे को डंडों से पीटते हैं। इस दर्दनाक उत्सव में कई लोगों की जान भी चली जाती है, फिर भी हर साल ये उत्सव यहाँ के निवासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर है बच्चों को मिट्टी में गर्दन तक गाड़ने की परंपरा। उत्तरी कर्नाटक में बच्चों के ऊपर आजमाने वाला कुख्यात और चौंका देने वाला रिवाज सामने आया है। इस रिवाज में शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों को सूर्य ग्रहण के दिन गर्दन तक रेत में गाड़ दिया जाता है। सूर्योदय होने पर बच्चे को उस गड्ढे में उतारा जाता है और शरीर के सभी भागों को अंदर रख केवल गर्दन को बाहर रखा जाता है। यह रिवाज एक घंटे से लेकर 6 घंटे तक किया जाता है। माता पिता का ऐसा मानना है कि सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के कारण ये प्रथा अपनाई जाती है। मिट्टी में उनको इसलिए गाड़ा जाता है क्योंकि मिट्टी में गाड़ने से सारी बीमारियाँ मिट्टी खींच लेती है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। कुछ माता पिता इस प्रथा से अपने बच्चों के ठीक होने का दावा भी करते हैं लेकिन शायद बिना दूसरे इलाज के केवल इसी प्रथा से ठीक होना एक अजूबे से कम नहीं होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर है एक ऐसी परंपरा का जिसमें सुइयों से शरीर को छेदा जाता है। तमिलनाडु जिले में भगवान मुर्गन के प्रति भक्ति के लिए ये दर्दनाक उत्सव मनाया जाता है। इसमें लोग अपने ही शरीर को कठिन यातनाएं देते हैं। लोग अपने शरीर को सुइयों और सलाखों से छेद लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके सारे कष्ट और परेशानियां नष्ट हो जाते हैं और प्रभु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जिसमें लोग अंगारों पर चलते हैं। तमिलनाडु में एक ऐसा रिवाज है जहाँ पर लोग अंगारों पर चलते हैं और इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। इस उत्सव को लोग बहुत ही जोर शोर और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आप सभी को बताया भारत की कुछ परंपराओं के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।
जल्द मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।